आपने टेडी बेयर कहीं ना कहीं किसी गिफ्ट शॉप पर या घर में तो देखे ही होंगे। यहाँ तक कि आप में से कई लोग तो इसे गले से लगाकर भी सोते होंगे। लेकिन अगर कोई असली भालू आपके सामने आ जाए तो उसे गले लगाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि एक भालू कितना खतरनाक और खूंखार साबित हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भालू एक सर्वाहारी जानवर है, यानी वे मांस और पौधे दोनों ही नियमित रूप से खाते हैं। वैसे तो भालू की गिनती शांत जीवों में ही होती है, मगर जंगली भालू शिकार के वक्त ही अपने बचाव के लिए बेहद भयानक रूप धारण कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भालू के दिल दहला देने वाले वीडियो दिखाने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। पोलर बेयर वर्सेस सील। पोलर बेयर दुनिया के सबसे रोचक जानवरों में से एक है। क्या आप जानते हैं सफेद दिखने वाले पोलर बेयर की स्किन असल में काले रंग की होती है, जो उसे धूप की गर्मी सोखने में मदद करती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये पोलर बेयर अपने सूंघने की शक्ति से शिकार की तलाश कर रहा है। एक बेयर की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि ये 16 किलोमीटर तक भी अपने शिकार की गंध महसूस कर सकते हैं। और यह इस पोलर बेयर को भी इसके फेवरेट शिकार की गंध आ चुकी है। पोलर बेयर सील को देखकर उसकी तरफ बेहद धीरे और खामोशी से बढ़ने लगता है। सील अभी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी तरफ एक खुखार खतरा तैर कर आ रहा है, इसलिए वो आराम से बर्फ पर लेटकर इस सुहावने मौसम का मजा ले रही है। तभी अचानक पोलर बेयर सील पर पानी से निकलते हुए धावा बोल देता है, जिसे देख सील के होश उड़ जाते हैं और वो तेजी से भागते हुए पानी में छलांग लगा देती है। पोलर बेयर सील का पीछा करता है और कुछ ही देर में सील को अपने मुंह में दबोचकर बाहर लाकर अपना आहार बना लेता है। बेचारी सील को सतर्क न रहने की सजा अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ गई। बेयर वर्सेस बेयर। आपने जानवरों को खाने के पीछे लड़ते देखा होगा या शिकार बनने से बचने के लिए, पर क्या कभी किसी जानवर को मादा जानवर के लिए लड़ते देखा? इस वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। यहाँ एक मादा भालू को आकर्षित करने के लिए ये दोनों नर भालू आपस में उलझ पड़े। अब ये दोनों ही भालू कदकाठी में काफी हद तक समान है, तो इनके बीच कांटे की टक्कर होना तो तय है। इन दोनों को आपस में लड़ते देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो इंसान लड़ रहे हों। आखिरकार काफी धक्का मुक्की और हमलों के बाद दोनों भालुओं को शायद समझ आ चुका था कि इस लड़ाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, और दोनों खुद ब खुद पीछे हो गए। बेयर वर्सेस कैरिबो। कैरिबो, जिसे हम रेनडियर के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा जानवर जो असलियत में ज्यादा किस्से कहानियों की वजह से मशहूर है, लेकिन ये कितने भी मशहूर क्यों ना हो, हमारे भालू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कैरिबो के झुंड को जाते देख ही भालू उन पर हमले के लिए तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन कैरिबो ग्रिजले बेयर से काफी तेज है। भालू को समझ में आ गया था कि ऐसे इनके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो रुक कर कैरिबो के बच्चों को ढूंढने लगा, जो किसी घास में कहीं छुपे हुए हैं। तभी भालू को एक बेबी कैरिबो मिल जाता है और साथ ही अचानक उसकी नजर एक और बेबी कैरिबो पर पड़ जाती है। जैसे ही भालू लालच में दूसरे बेबी कैरिबो की तरफ बढ़ता है कि उसी पल में दोनों ही बच्चे वहां से उठकर तेजी से अपने झुंड की ओर भाग खड़े हुए, और भालू बेचारा बस मुंह ताकता रह गया। इसका मुंह देखकर वो कहावत याद आ गई, ना घर के रहे ना घाट के। तो ये थे खूंखार भालू के कुछ खतरनाक हमले। हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले बार फिर मिलते हैं एक नई रोमांचक वीडियो के साथ।